वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। मालवा में दो संकट एक साथ आ गए, मालेराव बड़े होकर भी जीना महाल कर दिया लोगों का, होलकरों का नाम डबोने के लिए। होलकर खानदान का बेटा जो रानी अहलिया का पुत्र, जिसके काम सबसे निराले हैं। होलकरों ने आज तक प्रजा पर जुल्म नहीं किया, अन्याय नहीं होने दिया, लेकिन मालेराव ने उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। लोग हाथ जोड़े मालेराव की मिन्नतें करते रहते हैं, लेकिन उसके दिल में जरा बराबर पर भी रहम नहीं है। एक किसान के खेत में घुसकर उसकी पूरी फसल तबाह कर दी। वो गरीब बेचारा मालेराव के पीछे भागता रहा कि छोटे सरकार ऐसा मत कर कीजिए, लेकिन मालेराव कहां सुनने वाला है। मालवा में एक ऐसा राजा जो सिर्फ अन्याय करने के लिए आया है, तो वही दूसरी तरफ मालवा में दूसरा संकट आ गया। छोटी बागियों की टोली और किशन नायक ने मालवा की प्रजा को लूटना शुरू कर दिया। लूट मार करके लोगों को मार डालते हैं। देवी अहलिया अपनी प्रजा को सुरक्षा देने के लिए दिन रात एक कर देती है, तो दूसरी तरफ उनका अपना ही बेटा, उनका अपना ही पुत्र लोगों की फसलें तबाह कर रहा होता है। लोग मालेराव को देख कर बहुत घबराते हैं कि पता नहीं अब किस का नुकसान करेगा। किशन नायक को ढूंढने पहुंच गई रानी अहलिया, लोगों के नुकसान की भरपाई करने का भी वचन कर लिया, लेकिन देखते हैं क्या किशन नायक के साथ मालेराव को भी दंड देगी उनकी फसलें खराब करने, उनके साथ अन्याय करने पर। रानी अहलिया मालेराव के साथ क्या करेगी, क्या मालेराव को भी दंड देंगी? हम आपको साथ साथ लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि रानी अहलिया भाई की सही और नई अपडेट आपको सही वक्त मिल जाए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।